हेलो एवरीवन, दिस इज AK22। आप सभी का स्वागत है आर्क सर्वाइवल असेंडेंट में। एंड लास्ट टाइम हमने हमारी ये ब्यूटीफुल राफ्ट बेस बनाई थी जो काफी मस्त लग रही है। एंड हमने इसमें जरूरत के सारा सामान, प्रिजर्वेंट बेंच, मेदी, फर्नेश, हमारा चेस्ट, मोटर, पेस्टल, टेबल, चेयर और बेड भी लगा दिया है। अब मुझे इसमें पिलर्स लगाने ताकि हम एक और फ्लोर अगर इसमें बना पाए तो वो बना देंगे हम। तो मैं चारों कॉर्नर पे एक एक पिलर सेट कर रहा हूँ। चार पे नहीं, हम इस तरफ ही करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लगा पाया तो ये मस्त रहेगा। नाइस, ये होना। अब मुझे इस पर सीलिंग लगानी है यहाँ पर, तो हम आगे की तरफ इसको ब्लॉक नहीं करने वाले, हम पीछे की तरफ करेंगे क्योंकि मुझे थोड़ा इजी रहेगा फिर इसको मैन्यूवर करने में। एक और चीज़, इसके साथ साथ हम जो चीज़ कर रहे हैं वो है हमारा ग्रीन हाउस, क्योंकि हमारा लेवल अब हाई हो गया है। तो हमने ग्रीन हाउस की जितने भी चीज़ें हैं वो अनलॉक कर लिए और ये रहा हमारा क्रॉप प्लॉट। और एक मस्त चीज़ बताएं कि अब आपको जब भी आप क्रॉप प्लॉट या कुछ भी प्लेस करते हो ना, तो विदाउट एनी मॉड या किसी एस प्लस की जगह ये सब इसमें ही है। ये देखो, ये हमने फाउंडेशन लगा के रखी हुई है। अब बस हमें क्रॉप प्लॉट्स इस पर प्लेस करना रहता है और परफेक्टली मैच करता है हमारे जो हमने बिल्ड बनाई है नीचे के फाउंडेशन से। सो इसको यहाँ लगाते हैं। ये हो गई हमारी, एक और बाकी है, एक और कम पड़ेगी हमें। ओके, मुझे देखना है कि ये छोटी वाली स्मॉल अगर मैं मीडियम वाली क्रॉप प्लॉट लगाता हूँ तो ये कैसे लगती है। ओके, तो ये एकदम सेंटर में जाके प्लेस होती है। नाइस, ये सही है। हम इसको उठाते हैं और इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं। देखते हैं ये वाटर करता है क्या इसको भी। अब मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे, सी हाइड्रेटेड, सॉरी इरीगेटेड 600। नाइस नाइस नाइस, देखा वहाँ पर इंटेक पाइप लगाया और यहाँ तक काम कर रहा है ये। तो अब हमें कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको सीड पुट करना है इसमें, मनोवर पुट करना है और फिर ग्लास लगाना है ग्रीन हाउस के लिए, इसको बंद करने के लिए। तो ये 3x3 का हम कितना 300% एफिशिएंट वाला हमारा फार्म बनाने वाले। सो मैं लेकर आया। इसका एंट्रेंस मुझे इस तरफ से रखना चाहिए था, यहाँ से सही लगेगा स्टोन के बजाय। लेट्स गो। अब मैं हम थोड़ा सा ग्लास, अरे हाँ मेरे पास तो क्रिस्टल नहीं है, हमें क्रिस्टल लेने जाना है। नाइस, पर ये हमारा ओह, हमें केव में मिल सकते हैं ना क्रिस्टल, पर हम उस जगह है नहीं। चलो हम क्रिस्टल ढूंढने चलते हैं और थोड़े से क्रिस्टल लेके आते हैं क्योंकि बिना क्रिस्टल के ग्लास बनेगा नहीं। ये देखो, इसके लिए हमें क्रिस्टल चाहिए 25, बहुत सारे क्रिस्टल लगेंगे। मेटल तो हमारे पास है, सीमेंटिंग पेस्ट भी शायद होना चाहिए। ये देखो हमारे मेटल स्मेल्ट हो रहे हैं जो हम कल लेकर आए थे डोर आइलैंड से। सीमेंटिंग पेस्ट हमें चुराना पड़ेगा लग रहा है। और देखो यहाँ पर मैंने ट्राइलोबाइट मारा था, पर इसमें पता है वो अजीब चीज़ है कि मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, ना मैं इसको मार पा रहा हूँ। मैं इसको मार रहा हूँ तो मेरी खुद की बेस डिस्ट्रॉय हो रही है। ओके, चलो मैं क्रिस्टल की तलाश में जाता हूँ। सो क्रिस्टल लेना है और क्रिस्टल की एक लोकेशन मुझे पता है। आपको पता है हम लास्ट एपिसोड में हम एक केव में गए थे, उस केव में ही क्रिस्टल मिलेंगे हमें। तो हम पानी के थ्रू जाने वाले हैं हमारी मस्त वाली राफ्ट लेके, बेस्ट ऑप्शन। अरे इसमें फ्लैग्स होते हैं ना, मुझे एक फ्लैग भी पुट करना पड़ेगा। और आप में से कौन कौन है जो आर्क असेंडेंट खेल रहा है और सर्वर पे खेलते हो? मैं अभी एक PvP सर्वर पे खेल रहा हूँ, तो उसका नाम नहीं बताऊँगा कौन से सर्वर पे खेल रहा हूँ, बट आई एम प्लेइंग। ओके, इधर एक मैगी घूम रही है, उसको डॉच करते हैं। ओए, मैंने पता है अभी तक मेरे प्ले थ्रू में, मेरे आर्क सर्वाइवल प्ले थ्रू में कभी भी राफ्ट का इतना यूज नहीं किया। हम शायद मल्टीप्लेयर खेलते थे ना, मैं और ऋषभ सर्वर पे, उस टाइम मैंने शायद बनाई थी राफ्ट। बाप रे, ये मैगलाडॉन की तो खतरनाक आवाज़ आती है। ये चीज़ हमने बहुत सही करी कि हमने एक राफ्ट बना लिया, काम आएगा। ओके, हम पहुंचने वाले हैं, वो सामने दिख रहा है वहाँ पर ही हमारी। यहाँ पर सार्को का भी स्पॉन होता है पर अभी तक दिख नहीं रहा, मुझे एक भी सार्को नहीं दिखा अभी तक। ओके, ये प्लेस सही लग रही है। नाइस, अब मुझे देखना है कि वहाँ पर कहाँ पर मिलेंगे हमें। ठीक है, हमारा बेड है यहाँ पर, लेट्स गो। ओके, ये रही केव। अब इसमें शायद मुझे ज़्यादा अंदर ना जाना पड़े तो अच्छा है क्रिस्टल लेने के लिए। Yeah boy, nice, 100 एंड हमको ज़्यादा ही वेट हो गया हमारा। हाँ, स्टोन ड्रॉप करो, क्रिस्टल्स इतने में वॉक कर पाऊँगा। हाँ यस, चल रहे हैं हम। ये शायद ग्लिच्ड है, ये पता है, ऐसा जो ये दिख रहा है ना ग्रेश एकदम। चलो मैं इतना क्रिस्टल जो है वो रख कर आता हूँ। स्लो वॉक करते करते आखिरकार पहुँच गए हम इधर। ये चीज़ भी अच्छी चीज़ है कि मैं राफ्ट यूज़ कर रहा हूँ ना, तो राफ्ट में फिर मुझे जब तक हमारा रैक स्टेम नहीं होता उसके बाद ही हम सारे डायनो स्टेम करने वाले हैं। तो ये चैलेंज है हमारा जब तक हमारी ये राफ्ट काम आएगी। और मैं इसमें सारा सामान जितना है मैं लेके जा सकता हूँ अपने बेस पे विदाउट एनी प्रॉब्लम, ईजी पीजी। कितने क्रिस्टल्स हो गए? 161 हुए। मैं 200 क्रिस्टल्स और ले लेता हूँ। चलो हम वापस से लेकर आते हैं और फिर सीधे मिलते हैं आपको हमारी बेस पे, ताकि हम हमारा ग्रीन हाउस बना सकें। ठीक है, इसमें क्योंकि टाइम लगने वाला है मुझे। वहाँ पर जाओ। कहाँ से आ गया? डीलो, डीलोफोसोरस। तो हम क्रिस्टल्स लेके आ गए हैं एंड हमने हमारा जितने भी ग्लास पैन थे जो हमारे ग्रीन हाउस में लगने वाले हैं वो बना लिए। ये रहे सब के सब, होपफुली ये लग जाए। और आप असेंडेंट में क्या किया है इन्होंने, अलग अलग सब वेरियंट्स नहीं बनाए, एक ही को आप अलग अलग करके लगा सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग हम लगाएंगे हमारी वॉल्स। वही यार डैम अजीब नहीं लग रही है वॉल्स, वो ज़्यादा बड़ी लग रही है। यहाँ पे इधर भी लगाओ। इन्होंने ग्रीन हाउस का लुक चेंज किया है क्या? ऐसा लग रहा है फाइबर ग्लास लगा के रखा हुआ है इसमें, सॉरी फाइबर, कार्बन फाइबर वाला। ओके, ये हो गया। अब हमें लगाना है दिस थिंग। यहाँ पे एक हियर नॉइस कूल। अब मेरे पास एक एक्स्ट्रा वॉल आ गई है, सो ये शायद यहाँ लगेगी और एक और बनानी पड़ेगी मुझे। अब हम लगाते हैं स्लैंट। ये मस्त लग रहा है ग्रीन हाउस। ओके नाउ हम ऊपर लगाते हैं इसको। ये हो गया रूफ। अब स्लोप्ड 1 2 3 4 5 6 शीश। फिर डोर में आपका डबल डोर भी आ जाएगा और वो अपने आप फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। ये लग गया हमारा डोर। नॉइस, क्या मस्त लग रहा है। इसको बाहर से देखना कैसा दिखता है। ये शीश मस्त लग रहा है, अच्छा दिया है इन्होंने टेक्सचर इसका, ऑसम। आप देखते हैं क्योंकि हमने क्रॉप प्लॉट में सारी चीज़ें लगाई थी कि नहीं। ओके, लगा तो दी थी। और ग्रीन हाउस इफेक्ट 300%, ग्रीन हाउस इफेक्ट 300%, वही देख रहा था मैं। दिखाता है सब में, दिखा रहा है। इरीगेटेड है, फर्टिलाइज्ड है, थोड़ा और फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा मुझे इनमें, पूप। ओके, सो हमारा ग्रीन हाउस कंप्लीट हो गया है। नाइस, इजी पीजी। हमारी बेस, हमारा राफ्ट बेस और ग्रीन हाउस, गुड जॉब। इसमें और पड़ी है कि पुप, नोप। ओके, जितनी चीज़ें हमें बनानी थी हमने, हमारे ट्रैंकुलाइज़र एरोज बना लिए हैं, थोड़ा सा और नार्कोटिक्स रख लिया है। अब निकलते हैं हम सीधे डेथ आइलैंड की ओर। उसको डेथ आइलैंड नहीं, डेड आइलैंड बोलते हैं वैसे। और हमें बहुत दूर जाना है, वेरी वेरी फार। अभी तो हम साउथ में हैं, हमें अप नॉर्थ जाना है। तो चलो हम सीधे मिलते हैं आप से उस डेड आइलैंड के पास में। ओके, लेट्स गो। ऑलराइटी, सो वो रहा सामने डेड आइलैंड, तो दी डेड आइलैंड। और देखते हैं क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा कार्निवोर रहते, तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक ट्रैप बनाएंगे। अगर हमें अच्छी लोकेशन मिल गई, अच्छा रेक्स मिल गया, पहले हम देख कर आएंगे कि रेक्स है कि नहीं, फिर हम पीछे की तरफ इस आइलैंड के वेस्ट साइड पे एक छोटा सा क्या रैक्स के लिए ट्रैप बनाने वाले हैं स्टोन का, और उसमें कोशिश करेंगे उसको फंसाने की। ये वो छोटा सा आइलैंड रहता है इसके पास में। मैं यहाँ पर इसके पीछे लगाता हूँ, ये थोड़ा सा ओई, ठीक है, यहाँ पर प्लेस करते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी गुड। अब मैं जाता हूँ और देख कर आता हूँ कि कौन है यहाँ पर, कौन कौन से बड़े डायनोस हैं। मेन तो हमें रैक्स चाहिए, ठीक वो रहा। यहाँ पर आर्जेंटाविस, रैक्स, कार्नोस सब मिल जाएंगे। सो अगर हम ट्रैप बनाएंगे तो ये जो खाली स्पेस दिख रही है ना आपको, वहाँ पर बनाने वाले। थोड़ा वेंचर करके आते हैं। मैंने स्पाई ग्लास भी बना लिया था, हमें क्रिस्टल मिल गए थे। तो यहाँ पर तो आरजी ही नज़र आ रहे हैं, हम इस डायरेक्शन से होके आते हैं। हाँ, मैं ट्रैंकुलाइज़र एरोस कितने हमारे पास, 79 है ट्रैंकुलाइज़र एरोस, और थोड़ा सा नार्कोटिक है, और मेरे पास रॉ मीट नहीं है तो वो मुझे लेना पड़ेगा। नो शाइन ऑफ एनी डायनो। यहाँ पर सेबर टूथ भी मिलेंगे मुझे। मैं सोच रहा हूँ कि एक ट्रैप बना लूँ, फिर उनको लोअर करके लेकर आऊँगा। हो सकता है ये जगह भी अच्छी है, यहाँ पर भी एक ट्रैप बन सकता है, क्योंकि ये जो जितने भी डायनोस रहते हैं ना, ये ज़्यादातर एकदम टॉप नॉर्थ साइड पे स्पॉन होते हैं। इनका स्पॉन जो है वहीं पर रहता है ज़्यादा, सबका इस तरफ, इस साइड नहीं होता है। मुझे ध्यान रखना है कोई पीछे से कूदे ना हमारे ऊपर। ओके, मुझे कार्नो दिखा है, कितने लेवल का है कार्नो, लेवल 16 का है, तो आसानी से मर सकता है। मैं काम करता हूँ, अभी हम नॉर्मल एरोज डाल के रखते हैं। रैप्टर्स भी हैं क्या इसके पास में? ओके, हाँ दिखे मुझे, एक दो रैप्टर्स दिखे। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्ड। एक रैक्स को लोअर करके लेकर आना इधर। ओके, मेरे ऊपर नहीं आ रहा। ये मस्त कलर लग रहा है इस आरजी का, 116 लेवल का है। ओ माई गॉड, दिस इज़ गोइंग टू बी ऑसम अगर इसको टीम कर लिया हमने तो। पर ये रहा देखो, एक लेवल 8 का है, एक लेवल 60 का है। हम यहाँ से निकलते क्योंकि यहाँ पर हमें कोई रैक्स मिला नहीं अभी। हम सामने की तरफ जाते क्योंकि यहाँ पर भी ये जस्ट माउंटेन के नीचे रैक्स स्पॉन रहता है, एक जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वहाँ पर रहता है। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट सीरीज़ में मैंने बहुत सारे रैक्स मारे हैं और शायद हमने हमारा फर्स्ट रैक्स भी यहीं पर टीम किया था। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ पहले हम ढूंढते हैं, फिर हम पार्क करेंगे एक अच्छी जगह ढूंढ के। अगर बीच पे कोई मिलेगा हमें रैक्स तो हम जाएंगे उसको टीम करने के लिए। हेलो, ओके, यहाँ पर एक ब्रॉन्टो है। ये पैरासोर किससे भागते हुए आ रहा है? वो मिल गया हमें, एरेक्स मिला। वो रहा लेवल 40, एक स्टैगोसोरस को मारा है इसने डूफिश पर। ये थोड़ा कम लेवल का है, हमें थोड़ा और हाई लेवल चाहिए। आई थिंक दिस इज़ अ सेफ प्लेस जहाँ पर मैं अपनी राफ्ट को खड़ा कर सकता हूँ। कहाँ गया वो? अंदर चले गया। मैं उस तरफ देख कर आता हूँ अगर हमें कुछ मिलता है तो। लेवल ओ हेलो लेवल 88। ओ शी इज़ द वन, यस शी इज़ द वन। ओके क्या करूँ मैं? पहले जा लो ट्रैप में और इसको कितने एरोस लग सकते हैं अब वो देखना है मुझे। हमें मिली है एक मस्त वाली। किधर गया? प्लीज़ अंदर मत जाना जंगल के। ये मेरे तरफ इस तरफ दौड़ के आएगा, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ पर लूर करके लेकर आ सकता हूँ। और हमारी स्पीड बहुत, क्योंकि स्पीड बफ हटा दिया है आर्क में तो हमको प्रॉब्लम होने वाली है। सो इसलिए ये जगह बहुत सही लगेगी इसको ट्रैप बनाने के लिए। क्या कहते हो? ये बहुत सही है, यहाँ पर मैं बना सकता हूँ एक मस्त वाला ट्रैप। तो चलो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रैप बनाना, वॉल्स वाला, जिसमें हम इसको फंसाएंगे। सो ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट ट्रैप है एक रैक्स को ट्रैप करने के लिए। और हम पूरी तैयारी के साथ आए थे हमारे राफ्ट में कि हमें कैसा ट्रैप बनाना है। बस आपको ये जो फाउंडेशन है, ये 9 फाउंडेशन लगाने हैं, लार्ज वाली वॉल, ठीक है, याद रखना। लार्ज वॉल आपको प्लेस करनी है और इसके बीच में एक इतना गैप छोड़ दो जिसमें आप इसको लोअर कर सको। बस आपको यहाँ पर लाना है, ऐसे भागना है और फिर यहाँ पर खड़े रहो और एक चांस लेके फिर पीछे आपको एक वॉल पुट करनी है। तो एक और ध्यान रखना कि यहाँ पर भी आपको वॉल पुट कर सकते हो। होपफुली हमारा प्लान जो सक्सेसफुल रहा है। अभी प्रॉब्लम यह है कि अगर हमको कि आर्क वालों ने जो इनका स्पीड बूस्ट हटा दिया है आर्क वालों ने, तो इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी एक डायनो से भाग कर जाने में, ठीक है। इसलिए हम उसको इस तरफ लेकर आएंगे और वहाँ पर पेड़ गिर रहे हैं, मतलब कि रैक्स वहीं पर ही है और मैंने अभी तक टेस्ट नहीं करी है। सो एक काम करता हूँ, मैं अपनी राफ्ट को थोड़ा सा और दूर कर देता हूँ। लेट्स गो। अब एक और चीज़ कर सकती हूँ कि स्लोप बनाना, पर स्लोप बड़े डायनोस के लिए इतना अच्छा नहीं रहता, छोटे डायनोस के लिए स्लोप अब मस्त रहता है। मैं उसको ट्रैंक एरो ही मारता हूँ दूर से भी, क्योंकि एग्रो तो वो वैसे भी होने वाला है और हमें उसको मारना नहीं है। ओह फ्रिकिंग हेल, ये कहाँ से आ गया निकल के? डूड वॉज ही वेटिंग फॉर मी? मेरा इंतज़ार कर रहा था कि कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? घन चक्कर, रुक जा, डोंट गो। किसी पे तो हमला कर रहा है, बड़ा ये एलोसोरस कहाँ से आ गया यहाँ पे? डूफस ओह, कार्बोनिमस को मार रहा है। 108 का है डूड। ये हमारे ट्रैप में आ सकता है क्या? और इसके पीछे रैक्स, वो रहा लेवल 40 का। देखते कौन जीतता है, ये लड़ेंगे क्या आपस में? एक काम करते हैं, हम टेस्ट करते हैं, इसको यहाँ पर लेकर आते हैं। वाह, 2 एलोसोरस है। जी जीज, पड़ा पड़ा पड़ा, फटका पड़ा। और ये आ रहे मेरे पीछे, रन फॉर योर लाइफ। वो फंस जाएंगे। ये क्या? ये रैक्स आ जाएगा, रैक्स आ गया ना तो मर जाएगा। ये मेरे स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। My grudge. I'm leaving. मम्मी, वो रैक्स फंस गया है, पर ये एलोसोरस हमारी मूवी खराब कर देंगे यहाँ पर। फ्रीकिंग हेल, who would have thought? अरे यार, ये रैक्स वापस बाहर मत जा। बाहर निकल गया क्या? नहीं निकला। मैं इसको एग्रो करता हूँ यहीं से। पड़ा। अरे यार, ये निकल गया। डूड चिल। या तो फिर मुझे इनको मारना पड़ेगा दोनों को। और 108 और लेवल 44 के हैं ये दोनों। या फिर मैं इनको इतनी दूर लेके जाऊं कि जहाँ से ये वापस ना आ पाएँ। मैं नहीं चाहता इनके ऊपर मेरे एरोज ख़राब करना अभी बिल्कुल भी। पर ये बहुत अच्छे टीम बन सकते हैं हमारे लिए अर्ली गेम। पर हमारा जो शिकार है वो है रेक्स। अरे हाँ, मैंने एक वॉल भी नहीं बनाई है। चलो मैं इनको थोड़ा दूर लोअर करके लेके जाता हूँ, या वेट करते हैं कि हैं कहीं दूर जाए ये। और मैंने वॉल भी नहीं बनाई है, तो वॉल भी मुझे बनानी पड़ेगी, एक लार्ज वॉल। ओके, हमने इनको थोड़ा एग्रो कराया। ओह वरना मत, ये मेरी राफ्ट पर आ गया। कूद जा, नीचे जा, नीचे जा, नीचे जा डूड। इसने कुछ तो तोड़ा है, हमारा टेबल तोड़ दिया इसने। दिस इज नट्स। मैं अगर टर्न करूँ तो क्या इसको गिरा पाऊंगा यहाँ से? अरे रे डूफिस, लॉल हो गए। इसको कहाँ ले जाऊँ मैं अब? इन्फिनिट लूप में फंस गया ये। अगर मैं यहाँ पर खड़ा करता हूँ तो क्या होता है? ए डोंट डिस्ट्रॉय माय बोट। मेरी स्मृति तोड़ डाली है इसने। मैं सरफेस पे जाता हूँ और थोड़ा इसको भगाते हैं हम, थोड़ा हमारे दूर, हमसे दूर। ये लेवल 44 का है। ओके, दिस इज़ अ गुड स्पॉट। आ भी जाओ। नहीं आ रहा है ये, रुको। हम ट्रैंक एरोज नहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसके ऊपर नॉर्मल एरोज यूज़ करूँगा। पक जाए यहाँ से गोलू गेमिंग के। मैग्लाडॉन लड़ रही है क्या? वो मैग्लाडॉन मार रही है इसको। नाइस, मारो 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 मैगी, जस्ट डू इट। एक काम करता हूँ, मैं अपने राफ्ट पे चढ़ जाता हूँ। ये भागने की कोशिश करेगा। गधे ने मेरी स्मृति तोड़ डाली है। आई एम गोइंग टू हंट हिम डाउन। नाइस, मर गया। ए चलो, हमारी स्मृति गई है और एक मोटर पेस्टल गया है, बाकी और कुछ गया नहीं है। वी आर सेफ। मुझे रिपेयर करनी पड़ेगी हमारी बोट, क्योंकि वुडन स्ट्रक्चर आराम से तोड़ देते हैं, ये स्टोन स्ट्रक्चर नहीं तोड़ पाते हैं। तो इसलिए हमारा जो फाउंडेशन है वो इंटैक्ट है अभी भी। होप इसका जो भाई है वो हमसे ज़्यादा दूर ही होगा। और मुझे देखना है इसके साथ वाला जो आया था वो किधर है। एक और एलोसॉरस। ये मस्त ट्रिक मिली है मुझे, पता है, डायनोस को फंसाने की। वो हमको तो डैमेज दे नहीं सकते, पता नहीं दे पाते हैं कि नहीं। राफ्ट के ऊपर हमारे दोनों तरफ के रैम्प्स सही सलामत है। मैं फटाफट से वॉल बना लेता हूँ क्योंकि मेरे पास रिसोर्स रखे हुए हैं। एंड हंट करते हैं उस रेक्स का। और इसको पेलो ये। चलो होप वो रेक्स वोरा देयर यू आर। स्टोन पे जाके लग रहा है। अरे यार, ये रैप्टर कहाँ से आ गया अब इधर? माय गॉड, हे बच गए। ये एलोसॉरस निकलेगा नहीं इसके अंदर से। इसके पीछे कौन आ रहा है दौड़ के? ये कितने लेवल का है वैसे? इसका लेवल देखे ना, इसका लेवल काफ़ी अच्छा था। नहीं, लेवल 48 का है वो। यूजलेस है, मार देता हूँ मैं इसको। फ्ली करेगा अब ये। और इसका बेबी भी एक जुवेनाइल है पूरा। ऐसा होता है आर्क का कैओटिक वर्ल्ड। इनसेन। मुझे इसमें डैमेज ऑन करना था पर मैं इसको टेम नहीं करूंगा, मैं इसको मार रहा हूं। नाइस। अभी जुवेनाइल का क्या करें हम? छोटू का इसको कैप्चर करना पड़ेगा क्या मुझे? या फिर ये मुझे डैमेज तो देगा नहीं। नाइस, इम्प्रिंट हो गया ये हीरो हमारा। नाइस, प्राइम मीट, नॉट दैट मच बट ब्रेन मिला है एलोसॉरस का। छोटू डायनो। इसको मैं अपनी राफ्ट पे रख छोड़ के आ जाऊँ क्या? इसको क्या लगेगा आप खाने के लिए? मैचुरेशन इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स क्या? 10% मैचुरेशन हो गया। ये दूसरा था, ये वो गैंग वाला नहीं था। ये एलोसॉरस दूसरा है। और वो जो दो आ रहे थे वो अलग थे। और यहाँ से ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। कम ऑन, आ गया। ओके, सही जगह पे खड़ा है वो। शार्क इसको डैमेज नहीं दे सकती अब। ओह, बच गए। कियोस ख़त्म ही नहीं हो रहा अभी हमारा। सही प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। मैं जाता हूँ, मेरा आर्मर जो है वो टूट गया है। अब हम जाते हैं वो रेक्स गधे के पास जिसको टेम करना, वो तो हो नहीं रहा है। दूसरे डायनोज आ रहे हैं पीछे पीछे। वो मेरा क्रॉसबो है जो टूटने वाला है। मेरी स्मृति भी टूट गई है। वैसे मेरे पास रिसोर्सेस हैं जो मैं वापस से बना सकता हूँ स्मृति। अलाइव आ गया, देख लिया इसने। रन शॉट। देखो कितना धीरे होता है रेक्सी। ओके, इसको यहाँ पर ट्रैप करते हैं। पीछे मुझे जाके इसके वॉल लगाना, पीछे जाके बस मुझे वॉल लगाना है। अब एक बार ये अंदर आ जाए, इजी। ओह, गलती से मिस्टेक हो गई। उठा ले रे बाबा, उठा ले, उठा ली। ओके, मैं काम करता हूँ। हमारे ट्रैंक एरोज ही डाकते हैं हम इसमें। कहाँ जा रहा है ये? लूपस प्ली कर रहा है क्या? अब इतनी जल्दी हार मान ली इसने तो, या फिर रोटेट नहीं कर पा रहा है। अब आ जाएगा, अब आएगा, आएगा। आ जाओ, आ जाओ। मैं इसको ज़्यादा डैमेज नहीं दूंगा अब। ये जोर बच के मैं थोड़ा लॉन्ग रन जाता हूँ। मैंने गलती से गलत जगह लगा दी थी वो वॉल जल्दीबाजी में। लग गई, लग गई रे बाबा। अब आया है ना गधा। मैं इसको उस तरफ लेके जाता हूँ। इधर मेरे लिए सेफ़ नहीं है क्योंकि पीछे से कोई आ जाएगा, मुझे पेड़ डालेगा। नाइस। देखो सिंपल है। 9 फाउंडेशन चाहिए रहती है और आपको 12 वॉल चाहिए रहती है। अभी क्या स्पीड डिफ हो गया है ना, स्पीड बहुत ज़्यादा लो हो गई है प्लेयर की, डायनोस की। इसको हेडशॉट पे हेडशॉट ही मार रहा हूँ। मेरा क्रॉस वो टूट जाएगा। मेरे पास ट्रैंक एरोस और रखे हुए हैं, 40 है अभी। ओह बॉय, वी गॉट द बिग वन। ओके, प्राइम मीट तो ख़राब हो गया है, हम नॉर्मल मीट ही रखते हैं। ओके, अब देखते हैं कितनी देर में टेम होता है ये। नाइस, ऑलमोस्ट हाफ एरोस लग गए हमें। अच्छा है, हमारे पास 70 कुछ थे, 35 लगे हमें। और मैं इस तरफ ही रहता हूँ ताकि वो पीछे वाले जो डायनोज हैं वो इसके ऊपर एग्रो ना हो। नाइस। अब बस हमको वेट करना है। मैं इस जुवेनाइल को भी खिला देता हूँ कुछ, शायद इसकी हंगर हेल्थ शायद नीचे जा रही हो। ये हमारा एलोसॉरस का बेबी है। फूड बहुत कम है इसके पास। 1 घंटा 14 मिनट लगेगा इसको वापस। नाइस, हमारी राफ्ट काम आ रही है ना। ओके, सो मैं थोड़े से और थोड़े छोटे डायनोस मारता हूँ, मीट कलेक्ट करते हैं और इसको रेक्स को प्रोटेक्ट करते हैं। 21% हो गया है तो जल्दी हो जाएगा। एंड हियर इट इज़, हमारा रेक्सी बॉय टीम हो गया है फाइनली। आ जाओ। ये हाई लेवल नहीं है क्योंकि एलोसॉरस यहाँ पर बहुत सारे घूम रहे थे, उसकी वजह से हमको इसको फंसाना पड़ा। अगर मारना होता तो हम मार देते इसको। एक काम करता हूँ मैं, इसको ये वाली वॉल्स ओपन करते हैं ताकि ये शायद स्टक हो गया यहाँ पर, ये मेरे पीछे आ जाए। Nice, come on, dude, nice, good work. Finally हमारा जो चैलेंज था वो कंप्लीट हो गया है। एक और हाई लेवल का घूम रहा है जिसका लेवल 88 है। मैं इसको थोड़ा दूर लेके जा रहा हूँ और इसका थोड़ा हम लेवल अप करवाते हैं। यहाँ पर सेफ रहेगा ये, दूसरे रेक्स से फाइट ना लेने लग जाइए, इसलिए मैं इसको यहाँ पर खड़ा करा रहा हूँ। ओके, और पीछे आ जाओ जस्ट इन केस। ओके, नाइस, दिस इज़ गुड। अब जब हमारी सैडल बनेगी तब हम इसको, मैं इसके भी हेल्थ बढ़ा रहा हूँ, मिले डैमेज। देखो डायनोस का भी अब जो स्पीड बूस्ट है वो हटा दिया है। वैसे भी रेक्स तो बहुत स्लो डायनोस है। ओके, तो अभी काम करता हूँ मैं। और एक और चीज़ है कि हमने एक छोटा सा एलोसॉरस को इम्प्रिंट कर लिया। इम्प्रिंट एक छोटे एलोसॉरस के बेबी को, वो रहा वहाँ पर जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। एडोलेसेंट पे की स्टेज में पहुंच गया है ये, एंड लेवल 48 का है। चलो, ये चीज़ अच्छी हो गई कि हमें एक के बदले 2-2 डायनोस मिल गए। नाइस, अब ये इतना बड़ा हो जाएगा कि मैं यहाँ से चढ़ भी नहीं पाऊँगा। मैं इसको वैसे लेके जा सकता हूँ, क्या बोलते हो? हम इसको अपनी बेस पे छोड़ कर आए क्या? ये बेस्ट सही रहेगा कि हमारा रेक्सी बॉय यहीं पर ही है। हम इसको हमारे बेस पे लेके चलते हैं। नाइस, ये देखो मस्त तरीके से खड़ा हुआ है वो इसके ऊपर। इसको बेस पे ले जाने से अच्छा है मैं इसको यहीं पर ही खड़ा करके रखूँ रेक्स के पास में। यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड भी रहेगा, हमारे दूसरे डायनोस, ये हमारा रेक्स प्रोटेक्ट करेगा इसको। पर इसको मुझे देना पड़ेगा 38 मिनट बाद, इसको कुछ ना कुछ लाके देना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ पर बुला लेता हूँ। ओके ना, स्टे स्टे स्टे। नाइस, स्पीड गजब की रहती है एलोसॉरस की। ओके नाइस, सो हमारा रेक्स आ गया हमारे पास और एक छोटा सा एलोसॉरस भी आ गया। नाइस, अब मज़ा आएगा। चलो हमारा चैलेंज जो है वो कंप्लीट हुआ है। ओके तो हमारा जो फर्स्ट चैलेंज था कि हमको रेक्स टीम करना था वो हमने टीम कर लिया है। अब हम एक मस्त वाला फ्लायर टीम करेंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड। और देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ बहुत सारे अर्जेंटाविस घूम रहे हैं तो उनमें से एक को टीम कर सकते हैं जो उस डेड आइलैंड पे है। पर उसके पहले मुझे एक टेराडॉन टीम करना पड़ेगा एक्सेस लेने के लिए कि वहाँ तक हम आराम से घूमते हुए जा सकें। ओके तो सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय देन, सी या।